टीचर और स्टूडेंट के साथ जो आज तक मनाए हैं कोचिंग में साथ, ये आगे भी मनाते रहिएगा। टीचर और स्टूडेंट के बीच रिश्ता बहुत खास रहती है। हर एक का स्टूडेंट लाइफ इससे बड़ा खुशी लाइफ कोई और लाइफ मिलने वाला नहीं है। लेकिन हम अब परीक्षा की व्यू से तैयारी कर रहे थे। अब 10 साल तक जैसे विकास सर ने बताया, रामवर्धन सर ने भी बताया है, 10 साल की पढ़ाई आपको वहाँ मात्र 3 घंटा में देना है। एक परीक्षा आपको 3 घंटा की होगी। अब बताइए कि 10 साल तक पढ़े हैं कोचिंग में, 3-3 घंटा रोज पढ़े हैं, घर पे भी पढ़े हैं, और उसका 3 घंटा परीक्षा और रिजल्ट 1 मिनट का भी टाइम नहीं लेता है। जैसी नाम, डेट ऑफ बर्थ जैसी डलाता है रोल कोड, रोल नंबर, तुरंत आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा रिजल्ट। पढ़ने में कितना दिन टाइम लगा? 10 साल। और परीक्षा देने में कितना दिन? 3 घंटा। 3 घंटा, उसके 7 दिन या 6 दिन, और रिजल्ट लेने में 1 मिनट का टाइम। जिस समय रिजल्ट आता है उस समय बच्चे का उत्साहित बहुत होते हैं, उसी खुशी के साथ परीक्षा दीजिए। परीक्षा के अंदर डरने की बात नहीं है। परीक्षा से पहले होता है कि बच्चे बहुत डर जाते हैं, परीक्षा दे जाए तो कैसन क्वेश्चन आएगा, अब नहीं हमसे बनेगा। डरना नहीं है, बारीकी से अगर क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो बिल्कुल आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। डर से होता है जैसे कि मान लो पढ़ के गए, अब वहाँ हौसला टूट गया कि अब हमसे एक भी नहीं बन रहा है, तो कॉपी को खाली हाथों छोड़ के नहीं आना है, पूर्ण रूप से उसको भर के ही आना है। दर्जन साइड से ये होता है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं 5 नंबर का, शुरुआत वाली पेज में जितने अच्छे से आपको जो क्वेश्चन याद होगा या फिर जी अच्छे से मैथ वाले सोल्यूशन कर लेंगे वही पेज में लिखेंगे। दूसरी बात की मान लेते जो क्वेश्चन में डाउट लगता है कि नहीं हमको नहीं याद आ रहा, उसको छोड़ के अंतिम सिरा में बनाएंगे। लेकिन जो अच्छे से याद होगा पूर्ण रूप से वह पहला पेज में बना लेंगे। दूसरी बात की जो क्वेश्चन को हम हल करते समय दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के कगार पर ना रहेंगे। अक्सर बच्चे यही करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 8 में चल जाएगा कि तो हमको याद है, तुरंत लिख लेंगे। जैसे इस पर से उस पर ध्यान गया तब तक भटक जाएगा, ये क्वेश्चन याद नहीं होगा, फिर अगला में जाएगा, फिर वो भी छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन को एक पूर्ण रूप से संपूर्ण हल करके तब हम दूसरा में जाएंगे। ये आपको बारी बारी से करना होगा। और एग्जाम माहौल में प्रेजेंटी नहीं छोड़नी है, हाजिरी बनता है। प्रेजेंटी छोड़ देने के बाद आपका रिजल्ट पेंडिंग चला जाता है। कम से कम वो चीज़ नहीं भूलना। बाकी सर विकास सर ने आपको बताया है गाइडलाइन की क्या क्या आवश्यकता है। वहाँ आप एग्जाम से पहले जब जाएं तो एग्जाम सेंटर पर आधा घंटा पहले पहुंचने की कोशिश करें। सेंटर से अगर ज़्यादा दूर रहते हैं तो गाड़ी छोकरा से, मतलब गाड़ी छकरा की बात कर रहे हैं, बना के जाए। अब गाड़ी से होता है कि मान लो दूर है, कोई ऐसे बच्चे हैं कि घर से भी एग्जाम दे रहे हैं, अब बस से जा रहे हैं, बस का मान लेते हैं कुछ खराबी हो जाए तो परेशानी बढ़ जाए, तो हम